हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. आज के कंपोनेंट में हम करेंगे कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उसके रिलेटेड क्या मेजर एक्ट्स थे जिन्होंने वेरियस काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स की, राइट, कौन सी इंपॉर्टेंट कमीशंस बैठी थी एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. चलिए, सो वेरी क्विकली विद द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज. अब पहली बार जब इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए, तो जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका रूल था इंडिया में, तो उनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट एक चीज है सबसे ज्यादा, कि आपकी पेट्रनेज जो ब्यूरोक्रेसी थी वो चल रही थी. पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी का क्या बेसिकली मतलब होता है, कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट, वो आप जो EIC थे उनके जो खास जाने माने लोग थे वही जो थे ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे. एंड ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, राइट, वाज लिंक्ड टू इट्स पेट्रन्स जो आपके EIC है. एंड बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक स्पॉइल्स सिस्टम जैसी थी, राइट, स्पॉइल्स सिस्टम, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आप US में प्रेसिडेंसी जो आपका प्रेसिडेंट का सिस्टम है, राइट, एंड उनके साथ जितने भी वेरियस मिनिस्टर्स आते हैं या वेरियस आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं जो प्रेसिडेंट को अपने साथ चाहिए होती हैं, राइट, बी इट डिफेंस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, जितने भी लोग होते हैं, ये सब कौन है, प्रेसिडेंट ही चुनता है. एंड दे आर सपोज टू बी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको स्पॉयल सिस्टम बोलते हैं, कि वो अपने किसी भी पसंदीदा इंसान को जिनको ठीक समझते उनको ले सकते हैं. इसी तरह का एक पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी भी जो था वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और यही चीज जो है आपके इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में आगे चलाई जा रही थी. अब बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी बहुत रैम्पेंट करप्शन था, तो आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770 था, उसके रेगुलेटिंग एक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जहां पे उन्होंने बोला था कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके वेरियस ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने ब्राइबरीज में इंडल्ज नहीं करना है. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज डाल दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में. हाउएवर, डिस्पाइट दिस ऑल्सो एक जो रैम्पेंट करप्शन थी वो नहीं रुक पा रही थी. फाइनली आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट. इन्होंने पहली बार कोविनेंटेड एंड नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो क्रिएट किया. तो इन्होंने बोल दिया कि एक होगी आपकी सिविल गवर्नेंस की ब्रांच, राइट, जो आपकी पॉलिटिकल ब्रांच है वो आपकी जो नॉर्मल गवर्नेंस है उससे रिलेटेड होगी, और एक कमर्शियल ब्रांच होगी जो कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ EIC उससे रिलेटेड होगी, राइट. सो कोविनेंटेड जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल ब्रांच होगी, इनका एक अग्रीमेंट होगा विद द स्टेट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द कोविनेंटेड सर्विसेज. एंड जो नॉन कोविनेंटेड होगी उनका ऐसे कोई अग्रीमेंट नहीं होगा, वो फॉर कमर्शियल पर्पसेस यूज की जाएंगी, ठीक है. लॉर्ड वेल्सली ने आके 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया कैलकटा में, और यहाँ पे जो यंग सिविल सर्वेंट्स आते थे ब्रिटेन से, राइट, उनको ट्रेन किया जाता था, उनको अक्वेंट किया जाता था कि इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो कैसा है, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके, राइट. हाउएवर, देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो की हुई, एंड इसके कारण ये कॉलेज वॉज शट डाउन. एंड इंस्टेड अब उन्होंने इंग्लैंड के अंदर ही एक कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया, विच वॉज कॉल्ड हेलीबरी, क्योंकि हेलीबरी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था, अब इसके अंदर भी ए सिविल सर्विसेज को लेके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी. इन्होंने पहली बार इस चार्टर एक्ट में प्रॉमिस किया कि एज विद रिगार्ड टू पावर्स इन द ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा, इंडियंस को इक्वालिटी जो है वो दी जाएगी. साथ ही साथ में इन्होंने कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया. बट इवन द कॉम्पिटिशन था, ये कॉम्पिटिशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स में था जो कि नॉमिनेट किए जाते थे बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. फाइनली आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था जिसने पहली बार ये ओपन कॉम्पिटिशन की बात की टू एंटर द सिविल सर्विसेज. आपकी मकॉले कमिटी जो थी, राइट, मकॉले कमिटी ने पहली बार द आइडिया ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस जो है आगे रखा इन 1854. एंड इन्होंने बोला कि जो पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम है EIC का, जो पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी है, उसको आप बंद कर दीजिए एंड इसको रिप्लेस कर दीजिए बाय अ परमानेंट सिविल सर्विसेज जो कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसकी एंट्री कैसे होगी, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन से. सो जैसे कि आज हमारी UPSC में होती है कि मेरिट बेस्ड सिस्टम है, ओपन एंट्री एग्जामिनेशन है, जो भी क्वालिफाई करता है वो इसका हिस्सा बन जाता है, राइट. जो नॉमिनेशन सिस्टम था फाइनली अबॉलिश कर दिया गया 1855 में बाय द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड. एंड ये डिसाइड किया गया कि अब जो इंडक्शन है वो
जो अगर आपने भर्ती होना है सिविल सर्विसेज में, तो एक ओपन कंपटीशन होगा अमंग ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, मतलब जितनी भी इनकी ब्रिटिशर्स के अंदर जितनी भी उनकी कॉलोनीज है वो सारे ही ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है, राइट? सो जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है सबके अंदर ओपन कॉम्पिटिशन होगा और कोई भी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस जो है नहीं होनी चाहिए. ये मकॉले कमिटी की जो थी आपकी इंट्रोडक्शन थी, आपकी रिकमेंडेशन थी. ऑब्वियसली ये सारी रिकमेंडेशन अप्लाई नहीं की गई, बट एक जो चीज हुई, हेलेबरी कॉलेज जो था उसको अबॉलिश कर दिया गया 1858 में, एंड रिक्रूटमेंट फाइनली जो थी अब एक सिविल सर्विस कमीशन द्वारा होती थी जो कि एग्जाम कराते थे. बट ये एग्जाम कहाँ होता था? सिर्फ इंग्लैंड में होता था, और इससे कोविनेंटेड जो आपके सिविल सर्विसेज है आप उसके अंदर एंटर करते थे. 1859 में जो आपकी मैक्सिमम एज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया 22 में, एंड एक कंपल्सरी कर दिया गया कि आपका अगर एंट्री हो जाती है तो एक साल की आपको प्रोबेशन करनी है. कहां पे? इंग्लैंड में. तो जितने सिलेक्टेड मेंबर्स है सबको ये प्रोबेशन करनी होगी, राइट? 1866 में एज और रिड्यूस कर दी गई, पहले 21 साल और फिर 1878 में 19 साल. सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले इंडियन थे टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज, बट हाउएवर वो अपनी प्रोबेशन जो एक साल की जो मैंडेटरी थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, राइट? सो दैट्स व्हाई ही कुडंट रियली ज्वाइन इट. 1869 में फाइनली तीन इंडियंस, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आर सी दत्त एंड बिहारी लाल गुप्ता, दे वर सिलेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज. 1870 में एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज करके इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे कई इंडियंस जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, राइट? सो इफ दे कम फ्रॉम सर्टेन प्रिंसली हाउसहोल्ड्स और हाउसहोल्ड्स जो कि रिच लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा के हैं, राइट? जो कि काफी अक्वेंटेड थे विद द ब्रिटिश ऑफिसर्स, राइट? ऐसे लोग जो थे उनको नॉमिनेट किया जा सकता था टू द कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज. 1886 में आपके लॉर्ड डफरिन ने एक एचिसन कमीशन जो है वो बिठाई, विच वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर चार्ल्स अम्फर्स्टन एचिसन, ठीक है? और इस कमीशन का मेन मोटिव क्या था? कि इंडियंस जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके इस पब्लिक सर्विस में. इसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी, पहली चीज इन्होंने मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री जो है उसको रेकमेंड किया बढ़ा दो टू 23 ईयर्स. साथ ही में इन्होंने थ्री टीयर क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की करने को रेकमेंड किया. एक होगी आपकी इंपीरियल सर्विसेज, ठीक है? नेक्स्ट आपकी प्रोविंशियल, तो इंपीरियल जैसे कि अभी आपके आईएएस एक्सेट्रा, आपकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज है वो, राइट? जो प्रोविंशियल सर्विसेज है जैसे कि आपके स्टेट सर्विसेज होती हैं वो, एंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज बेसिकली आपकी क्लरिकल स्टाफ एक्सेट्रा, राइट? इन्होंने बोला कि जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज है, राइट, स्टैट्यूटरी जो 1870 में जो इंट्रोड्यूस की गई थी जहां से नॉमिनेशन से आते थे, आप उसको अबॉलिश कर दो, एंड कई सीट्स जो है इंपीरियल की वो आप प्रोविंसेस तो फिल इन करो. तो फाइनली इस कमिटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको 1892 में फाइनली एक्सेप्ट करके कुछ रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर दी गई, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज जो था वो रिफॉर्म कर दिया गया. अब स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस आपकी अबॉलिश हो गई. जो तीन कैटेगरीज आपने बनाने को कहा था, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबॉर्डिनेट, वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई. इंपीरियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता था अब वो कहाँ होना था? वो एग्जाम होता था लंदन में, और जो बाकी दोनों एग्जाम थे वो कंडक्ट होते थे इंडिया में, राइट? और जो मैक्सिमम एज थी वो भी इंक्रीज कर दी गई, किसके लिए? 23 के, राइट? चलिए अब इस्लिंगटन कमीशन आई. जो इस्लिंगटन कमीशन थी उसने 1912 में एस्टैब्लिश हुई, राइट? Which was the Royal Commission on Public Services, जो इसका formal नाम था, right? जो उसके members थे, जो पहली चीज तो obviously जो आपके chair थे वो that was Lord Islington. बाकी members included Ramsay MacDonald, जिन्होंने MacDonald Award जो आपके बने, right? साथ ही में Sir Rollin से, Valentine Chirol, again Valentine Chirol जो थे, इन्होंने लाला लाजपत राय को बोला था कि आप father of Indian unrest हैं, right? आगे चल के जी गोखले एंड सर अब्दुल रहीम, राइट? सो वी ऑल्सो हैड टू इंडियन लीडर्स, टू मॉडरेट लीडर्स जो कि आपके इस लिंक्डइन कमीशन का हिस्सा थे, राइट? इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो 1915 में आई. इन्होंने बोला कि सर्विसेज जो है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको एक क्लास वन एंड क्लास टू में कर दीजिए डिवाइड. 25% ऑफ जो सुपीरियर फोर्स है उनको इंडियंस से आपको रिक्रूट करना पड़ेगा. साथ ही में प्रोबेशनरी पीरियड होगा 2 साल का फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स. साथ में ही जो रिक्रूटमेंट होगी सुपीरियर पोस्ट की, राइट, वो पार्टली इंडिया में की जाएगी एंड पार्टली इंग्लैंड में की जाएगी. फिर जो आपके मिंटैगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, राइट, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया इन प्रिंसिपल. तो 1919 की जो आपकी मिंटैगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उन्होंने
इन प्रिंसिपल डिमांड एक्सेप्ट की कि ज्यादा इंडियनाइजेशन की जरूरत है इन द हायर सिविल सर्विसेज, जो आपकी इंपीरियल सर्विसेज थी, ठीक है, एंड इसी के लिए उन्होंने प्रोविजन जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंक्लूड कर दिया, राइट. इन्होंने इंपीरियल सर्विसेज को, जैसे कि आज एग्जिस्ट करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज में डिवाइड कर दिया, एंड उन्होंने बोला एटलीस्ट 1.5% ऑफ द टोटल जो है वो इंडियन से रिक्रूट किया जाएगा, एंड ये जो है इंक्रीज की जाएगी ईयर बाय ईयर. फाइनली जैसे माना जाता है 1941 में द इंडियंस हैड आउटनंबर्ड द ब्रिटिश एज फार एज योर सिविल सर्विसेज वर कंसर्न्ड. 1922 ऑनवर्ड्स आपका जो ICS का एग्जाम है वो अब इंडिया में होल्ड किया जाने लगा, एंड पहला जो एग्जाम था ये फाइनली अलाहाबाद में हुआ था 1922 में, राइट. इसके बाद आपकी रॉयल कमीशन ऑफ सुपीरियर सिविल सर्विस जो है वो आई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड ली, एंड ये जो कमीशन थी इन्होंने 1924 में अपनी एक रिपोर्ट दी, एंड ये जो रिपोर्ट थी इन्होंने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रेकमेंड की थी वॉज द सेटिंग अप ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट. एंड ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन था दिस वॉज फाइनली सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 1926 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बार्कर, राइट. इसी रॉयल कमीशन की कुछ अदर रिकमेंडेशंस वर आल्सो इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल इंपीरियल सर्विसेज में अब फाइनली ओपन कर दिया गया था कि जो प्रोविंशियल सर्विसेज में है दे कैन आल्सो एंटर द इंपीरियल सर्विसेज वाया प्रमोशन. डायरेक्ट एंट्री फॉर इंडियंस आल्सो इन इंपीरियल सर्विसेज, नॉट जस्ट प्रोविंशियल एंड सबॉर्डिनेट वंस, इन अ फेज्ड मैनर ग्रेजुअली. एंड ऑल इंडियन क्लास वन जो आपकी सेंट्रल सर्विसेज है उनको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज करार कर दिया गया इन 1934 में एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो थी उसके अंदर 7 ऑल इंडिया सर्विसेज थी एंड 5 सेंट्रल डिपार्टमेंट थे. सब जो थे जो आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे उनके कंट्रोल के अंडर, राइट. एंड 3 जो सेंट्रल डिपार्टमेंट थे वो अंडर जॉइंट प्रोविंशियल एंड इंपीरियल कंट्रोल थे. आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 इट फाइनली प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच प्रोविंस, जैसे कि आज हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट, जो कि आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कराते हैं. We will be looking at 10 main facts, keeping in mind prelims. And aaj ke is 10 facts mein, we will be looking at modern history and especially the press policy in British India. Right? Modern press ab jo introduced ki gayi thi was by the Portuguese. However, iski jo popularization hai, that is credited to the British. The pehla jo hamara newspaper tha jisko dekha jata hai, that is the Bengal Gazette, jisko 1780 mein introduce kiya gaya by James Augustus Hickey, who was also a very revolutionary journalist. So 29 Jan 1780 ko ye introduce kiya gaya, jo ki aaj kal Hickey Day ki usse manaya jata hai, Hickey's Day, because basically inhone ek bahut aage chalke journalism ke liye ek bahut zyada yogdan diya tha by the start of Bengal Gazette. Right, he was extremely critical of Warren Hastings ki jo government thi, and Warren Hastings ke time pe EIC ne isko band karwa diya tha in 1782. Second thing that we come to is your censorship of press act, jo ki 1799 mein Lord Wellesley ne shuru karaya, jahan pe इट प्रोवाइडेड फॉर पहली चीज प्री सेंसरशिप. बेसिकली प्री सेंसरशिप का क्या मतलब होता है कि जितना भी मटेरियल आपने छापना है वो पहले दिखाया जाएगा इससे पहले कि यू कैन पब्लिश इट. साथ ही साथ में फ्रेंच को कर्टेल करने के लिए इन्होंने ये रिक्वायरमेंट डाल दी थी कि हर न्यूज़पेपर को वेरी क्लियरली प्रिंट करना पड़ेगा कौन इसको प्रिंट करवाला है, जो प्रिंटर है, जो एडिटर है, साथ ही में जो प्रोपराइटर है, एंड अगर वायलेशन होगी तो इमिजिएट डिपोर्टेशन कर दी जाएगी ऑफ द अक्यूज्ड accused printer, right? Next important act जो कि is to be kept in mind is with regard to your Metcalfe Act. तो जो Lord Metcalfe थे वो थोड़ी देर के लिए आपके acting governor general थे from ये 1835, right? From 1835 to 1836, ठीक है? 1835 to 36 जो हैं Metcalfe थे आपके गवर्नर जनरल, राइट. सो इन्होंने 1835 में ये मेटकैफ एक्ट लाए थे जहाँ पे इन्होंने जो रिप्रेसिव 1823 का ऑर्डिनेंस था जिसके कारण कंपलसरी लाइसेंसेस शुरू करा दिए गए थे, जहाँ पे बेसिकली आपको एक फीस पे करनी पड़ती थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा थी फॉर दोज टाइम्स, राइट. सो ही इज़ रिगार्डेड एज द लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि ये जो 1835 का एक्ट है इसके अंदर सिर्फ एक डिक्लेरेशन थी जो कि चाहिए थी फ्रॉम द पब्लिशर
to start the newspaper. साथ ही साथ सिर्फ एक declaration से ही आप एक newspaper बंद भी कर सकते थे, right? So because of this liberal policy, press policy, आपका जो Metcalf Act था, वो काफी ज़्यादा liberal था and इसके कारण काफी ज़्यादा growth हुई थी newspapers की in this particular era, right? Moving on, the next fact that we come to is your Licensing Act of 1857. अभी जो लाइसेंसिंग एक्ट था 1857 का, इसके अंडर बिकॉज ऑफ आपका 1857 में जो रिवोल्ट हुआ है या फिर फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट, उसके अंदर अभी जो गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा स्वीपिंग पावर्स दी गई, जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट भी और रिवोक कर सकती थी लाइसेंसेस एट एनी टाइम. साथ ही साथ ये किसी भी पब्लिकेशन की को प्रोहिबिट भी कर सकती थी फ्रॉम पब्लिशिंग एनी मटेरियल, राइट. तो इस दौरान इस एक्ट के थ्रू प्रेस रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनको और टाइटन कर दिया गया. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी कम टू इज योर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867. ये 1867 के अंदर फाइनली जो आपकी 1835 के मेटकैफ एक्ट से जो लिबरल पॉलिसी आई थी उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है. अब इसके अंदर जितनी बुक्स और न्यूज़पेपर्स या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जो पब्लिश हो रहा था उसके अंदर प्रिंटर का नाम, पब्लिशर का नाम, पब्लिकेशन का नाम तो देना ही था, साथ ही साथ में एक कॉपी जो है फ्री ऑफ एनी चार्ज वो लोकल गवर्नर को देनी थी विद इन अ मंथ ऑफ पब्लिकेशन. फोर्थ एंड द मोस्ट रिप्रेसिव एक्ट जो आता है इज योर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया बाय लॉर्ड लिटन. अब ये जो लॉर्ड लिटन का एक्ट था, इट बेसिकली एम्पावर्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कि वो किसी भी प्रिंटर या पब्लिशर को ऑफ एनी वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर उससे एक बॉन्ड साइन करवा सकता था विद द गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बोलना होता था कि ना ही आप डिसअफेक्शन कॉज करोगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड साथ ही साथ में किसी भी तरह की एंटीपथी जनरेट नहीं करोगे, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ से रिलीजन, on the basis of caste or so on, so, religion, caste, race, so on, so forth, right? इसके बीच में आप basically groups के अंदर किसी भी तरह की एक किसी भी तरह की hatred आप generate नहीं करने की कोशिश करोगे, right? साथ ही साथ में अब इसके अंदर एक security deposit डालना भी ज़रूरी हो गया. इसको gag act बुलाया जाने लग गया था and it was especially targeting your अमृता बाजार पत्रिका. जो युगांतर, संध्या एंड वंदे मातरम थे उनकी पब्लिशिंग इस एक्ट के आने के कारण रुक गई. इसको फाइनली रिपील कर दिया गया था बाय लॉर्ड रिपन इन 1882. राइट, अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है दैट इज योर न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1908, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया गया कि वो प्रेस और प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है एंड इंसाइट कर सकता है मर्डर या वायलेंस को, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं आपको आप वो जब्त कर सकते हैं, ठीक है. तो ये जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था ये फाइनल होता था. नेक्स्ट आपका आया इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, जहाँ पे मैंडेटरी हो गया कि आपने फ्रेश लाइसेंस ऑब्टेन करना है एंड इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने की फीस कई 500 से 2000 रुपए होती थी एंड अगर आपने ये नहीं किया तो उसके ऊपर फाइन लगता था जो कहीं 1000 से लेके 10000 रुपए तक होता था. साथ ही साथ में अब आपको दो कॉपीज जो है ये सबमिट करनी पड़ती थी जो लोकल गवर्नर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. ये जो एक्ट्स थे 1908 एंड 1910 के, ये फाइनली जो प्रेस कमिटी आपकी बैठी थी 1921 में, जिसके चेयरमैन तेज बहादुर सापरू थे, उन्होंने ये एक्ट्स जो है फाइनली रिपील कर दिए. नाइन्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिगार्ड टू प्रेस पॉलिसी आता है आपका इंडिया प्रेस एमरजेंसी पावर्स एक्ट ऑफ 1931. ये जो एक्ट है इसने स्वीपिंग पावर्स दे दी आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको, ताकि वो सप्रेस कर पाए स्पेशली जो प्रोपोगंडा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे शुरू हुआ था, राइट. जो 1930 में ये जो डांडी माचे मूवमेंट शुरू हुई तो इसको कर्ब करने के लिए शुरू किया गया. साथ ही साथ में इन्होंने जो 1932 ऑनवर्ड्स और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिए ताकि वायलेंस किसी भी तरह की इंसाइट ना हो सके. तो यहाँ पे कहा गया कि अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया आफ्टर रीडिंग एन आर्टिकल, जो ऑथर है वो उतना ही लायबल होगा, राइट. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेंथ आपका लास्ट फैक्ट आता है, राइट, प्रायर टू ब्रिटिश पॉलिसी टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो है आपका फॉरेन रिलेशंस एक्ट ऑफ 1932, जहाँ पे किसी भी बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट जो कि कंटेन करता था किसी भी तरह का डेफिमेटरी मैटर, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड किसी और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस खराब हो सके, उसको पीनलाइज किया जा सकता था. साथ ही साथ में 1934 का जो आपका एक्ट था
1934 का जो आपका एक्ट था ऑफ इंडियन स्टेट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1934, इसके अंदर फर्दर प्रोवाइड कर दिया गया कि कोई भी अनरीजनेबल एक्ट अटैक अगर किया जाएगा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन स्टेट्स पे, तो उस एक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट सच एन एक्शन, राइट? एंड अगर कोई वायलेट करेगा इन रूल्स को तो उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. दिस वॉज डन अंडर योर 1934 का इंडियन स्टेट्स प्रोटेक्शन एक्ट.